हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में आपका मैं वेलकम करता हूं। जैसे कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्द आपके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो हरियाणा कलर का एग्जाम हुआ था, अभी 11 दिसंबर को समाप्त हुए, उससे रिलेटेड एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसकी लिस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं 13 दिसंबर को वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन हमारे पास कमेंट्स के थ्रू जो डाटा आए थे वो काफी ज्यादा आ गए थे, इसलिए उनमें से उनको मतलब सिलेक्ट करने में, उनसे अलग अलग चूज करने में कैटेगरी वाइज कितने क्लास में प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से तो हमें काफी टाइम लग गया, इसलिए वीडियो आज अपलोड हो रही है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो हमने ही हमारी जो कट ऑफ है उसको हमने, हमारा जो एक ब्लॉग है उस पर भी हमने इसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। आप वहां पर जाकर इस अगर वीडियो के थ्रू नहीं देखना चाहते तो वहां पर जाकर भी आप इसको कट ऑफ की लिस्ट को देख सकते हैं। हमारे जो ब्लॉग है उस पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में, एचएसएससी स्टडी मटेरियल जो कि अभी आगे ग्राम सचिव केनाल पटवारी के एग्जाम होने हैं, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन के बारे में, जीके लेटेस्ट करंट अफेयर, उन सभी के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर पोस्ट मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम की जो पीछे एग्जाम हुआ था 11 दिसंबर को, उसके इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर भी आपको मिल जाएंगे, वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हो। इसके अलावा हरियाणा जीके और इंडिया जीके से रिलेटेड आपको काफी पोस्ट मिलेगी जो आपके जो आगे एग्जाम होंगे उनके लिए आपके वो काफी बेनिफिट रहेगी। इसका लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमारे इस ब्लॉग पर पहुंच सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जो आज की वीडियो है, एचएसएससी कलर एग्जाम 2016 की जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड बाय थ्री हेल्प क्लासेस। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी जो आगे एग्जाम होंगे जनवरी में हरियाणा ग्राम सचिव एंड कैनाट पटवारी, उससे रिलेटेड आपके पास अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा जो एसएससी सीएचएसएल बेस पर जो एग्जाम होगा जनवरी में, 7 जनवरी से स्टार्ट है, उसके लिए भी हम आपको डाटा उपलब्ध कराएंगे जीके मैथ रीजनिंग एंड इंग्लिश के, ठीक है। आगे मैथ की और रीजनिंग की वीडियो भी स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्द। सबसे पहले ये जो वैकेंसी निकली थी वो निकाली थी, उसका नाम क्या ऑर्गेनाइजेशन का, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचएसएससी, पोस्ट थी कल रखी, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या थी, प्लस टू या प्लस टू फर्स्ट डिविजन यानी 60% होने चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड यानी प्लस टू में 60% और ग्रेजुएशन, ये इसकी क्वालिफिकेशन थी कलर्क की पोस्ट की। उसकी जो एज लिमिट थी वो बिटवीन 17 ईयर्स टू 42 ईयर्स थी, ठीक है। और उसकी जो सैलरी है अगर आप कल को कलर्क लगते हो तो वो थी 5200 से 20200 और जो ग्रेड पे है वो है 1900 रुपए। ओके, जो टोटल वैकेंसी थी पहले 5408 वैकेंसी थी, बाद में इंक्रीज कर दी गई उनको 718 बढ़ाकर, तो टोटल अभी कितनी है 6126। उसमें जनरल की पोस्ट है 1644, एससी कास्ट की 1158, बीसी ए की 929, बीसी बी की 533, ईबी पीजी की 683, ईएसएम जनरल की 454, ईएसएम एससी की 148, ESM BCA की 156, ESM BCB की 203 और OSP General की 45, OSP SC 79, OSP BCA 62, OSP BCB 33, PHC OH 63 और VH की 26। ये पूरा डाटा आपको जो मैंने अभी बताया था हमारा जो ब्लॉग है उस पर भी आपको ये मिल सकता है। जो टोटल हमारे पास जितने भी कमेंट्स आए या जो अदर स्टूडेंट थे उनसे डिस्कस करने के बाद हमने जो लिस्ट बनाई है वो इस प्रकार है, क्योंकि अभी बीच में तो एग्जाम हुए थे 27 नवंबर और 11 दिसंबर, ये काफी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग काफी टफ आए हुए थे, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो लगभग 5 से 6 नंबर यानी 10 से 12 नंबर ऊपर नीचे जा सकती है। इसके अलावा अभी जो भिवानी के अंदर जो स्टूडेंट पकड़े गए चीटिंग करते हुए, उनके अकॉर्डिंग भी ऐसी संभावना जताई जा रही कि शायद भिवानी के अंदर जो एग्जाम हुआ था वो दोबारा हो, लेकिन जैसे कि अभी न्यूज़पेपर में आया कि उनका जो एचएसएससी ने जो निर्देश दिया उसके अकॉर्डिंग जो परीक्षा थी वो रद्द नहीं होगी, ठीक है। तो
चलिए उन बातों को छोड़िए, जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ हमने तैयार किए, जो हमारे पास कमेंट्स आए उसके अकॉर्डिंग 130 से 140 यानी जिनके 65 से 70 नंबर है उनके बीच में ही जनरल कट जो कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ जाएगी। अगर आपके इनके बीच में आपके नंबर बनते हैं तो आप सेफ है, आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। सेकंड, जो ओबीसी कैंडिडेट है उनकी जाएगी 120 से 130 अकॉर्डिंग टू अवर सर्वे जो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर की थी, जिसके 60 टू 65 आपके आंसर करेक्ट है उनके चांसेस है उनके पास इंटरव्यू कॉल आ जाए। एससी कैंडिडेट की 110 से 120 यानी 55 से 60 के उत्तर, एसटी कैंडिडेट की 96 से 104 नंबर। ये एससी कैंडिडेट और ये एसटी कैंडिडेट, जो वीएच कैंडिडेट है उनकी 96 से 100 एंड जो ओएच कैंडिडेट है उनकी 100 से 106 नंबर के बीच में रहेगी। जो एचएस कैंडिडेट है उनकी 76 से 84 के बीच में, ये काफी कम जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनकी ओनली 70 से 80 यानी जिनके 35 से 40 क्वेश्चन उनके करेक्ट है, क्योंकि एक क्वेश्चन दो नंबर का है, उनकी चांसेस है काफी ज्यादा कि उनके पास इंटरव्यू कॉल आ जाए। ये ऑफिशियल नहीं है, एक अनऑफिशियल है, क्योंकि ये हमने हमारे पास जो कमेंट्स आए उनके अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया है। ओके, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी जो भी आपके राय है वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए एंड इसको शेयर कीजिए। एंड हाँ, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया अभी जो एग्जाम होंगे आगे उससे रिलेटेड हम पूरा का पूरा जो है ना ग्राम सचिव और करनाल पटेल उसको हम कवर करेंगे। इसके अलावा हम पीछे इंडिया जीके और साइंस को लेकर वीडियो नहीं बना पाए, तो आगे हम कोशिश करेंगे स्पेशली साइंस और इंडिया जीके अलग अलग हिस्ट्री के अलग ज्योग्राफी के अलग पोल साइंस उनके अलग अलग वीडियो बनाएं, ठीक है। इसके अलावा मैथ रीजनिंग एंड इंग्लिश सेक्शन पर हम पूरा फोकस करेंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला है, वहां पर जाकर आप हमारे उस ब्लॉग को विजिट कर सकते हो और वहां पर भी आप जीके को पढ़ सकते हो। वहां पर हमने जितनी भी वीडियो अपलोड करते हैं उनकी सारी जीके आपको वहां पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।